जम्मू कश्मीर में LOC से सिर्फ 300 मीटर दूर शारदा माता का मंदिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा वर्चुअली इनॉगरेट किया गया। क्या आपको पता है इस साइट पर एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इस मंदिर को किसने तोड़ा, ये मंदिर यहाँ पे क्यों बना, इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है, चलिए इस वीडियो में हम आपको सब बताते हैं। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी से भी पुरानी कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिस यूनिवर्सिटी का नाम है शारदा पीठ, जहाँ पे ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ पे दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स आके यहाँ पे स्टडी किया करते थे। इस जगह पर सरस्वती माता का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर का निर्माण 273 BC में किया गया था, लेकिन कश्मीर में फिर जैसे जैसे समय बीतता गया जहाँ पे न्यू रूलर्स आने लगे, जिसके कारण इस मंदिर पे बहुत सारे अटैक्स भी हुए और नेचुरली भी इस मंदिर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता रहा। 1947 में कश्मीर में कवालिस जो कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा सपोर्ट किए गए थे या तो फिर पाकिस्तान आर्मी का ही एक रूप थे, उन्होंने कश्मीर पर अटैक कर दिया और जहाँ पे बहुत सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें यह शारदा पीठ टेम्पल भी आता है। इस टेम्पल की हालत कुछ इस प्रकार हो गई है और 1948 के बाद वहाँ पे कभी भी पूजा अर्चना नहीं हुई। ये मंदिर प्रेजेंट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम वैली में है जो कि LOC से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये टेम्पल तो POK में है, तो क्या यही टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट करके इसको इनॉगरेट किया गया है? जी नहीं दोस्तों, POK में इस मंदिर को देखने वही आ सकता था जिसका जहाँ पे कोई रिलेटिव हुआ करता था। उरी मुजफ्फराबाद बस सर्विस इंडिया और पाकिस्तान द्वारा चलाई गई थी, जिसमें वही लोग मुजफ्फराबाद जा सकते हैं जिनका वहाँ पे कोई रिलेटिव हुआ करता था। लेकिन लोगों की जो मांग थी कि वहाँ पे करतारपुर साहिब जैसे एक कॉरिडोर बना के सबको वहाँ पे जाने का मौका दिया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तेतवाल विलेज में एक बेस कैंप है जहाँ से शारदा पीठ के लिए हर साल पैदल यात्रा निकाली जाती थी। तीर्थ यात्री जहाँ से शारदा पीठ के लिए जाया करते थे, इसलिए उनकी सुविधा के लिए जहाँ पे मंदिर के साथ सराय हुआ करती थी और जहाँ पे एक गुरुद्वारा भी हुआ करता था, जिसको 1947 में कवालिस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस जगह की जमीन मुस्लिम परिवार के पास हुआ करती थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि जहाँ पे एक मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया और ये मंदिर को पूरी जमीन वापस कर दी। फिर जहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम है सेव शारदा कमेटी। इस कमेटी के हेड रविंद्र पंडिता जी हैं। 2021 में जहाँ पे भूमि पूजन हुआ और अब जहाँ पे इस मंदिर को इनॉगरेट कर दिया गया है। मंदिर के साथ सराय यानी कि धर्मशाला भी बनाई गई है और जहाँ पे गुरुद्वारा को भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और अब होम मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा गया है कि करतारपुर साहिब जैसे जहाँ पे भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और लोग जहाँ से शारदा पीठ जाके वहाँ के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, कश्मीर वैली में टोटल 408 मंदिर है। उनमें से 208 मंदिर को पिछले 2 दशकों में मिलिटेंसी द्वारा डैमेज किया गया है और अब 370 हटने के बाद जहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 123 ऐसे स्थानों को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिनमें कई मंदिर और सूफी स्थान शामिल हैं और कुछ टेंपल रिसेंटली रिकंस्ट्रक्ट भी हुए हैं, जैसे कि शीतलनाथ टेंपल, गणेश टेंपल। दोस्तों, कश्मीर में हो रही टेंपल की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक और शेयर करके आप जो जानकारी अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।